नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रिंस उपाध्याय। आज मैं आपको मुख्य दर्शन कराने वाला हूँ अंजनी महादेव जी का, जिसे आप दूसरे बाबा बर्फानी भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे इस वीडियो को लाइक करना है। तो दोस्तों, चलिए इस हसीन यात्रा पर। थोड़ी बहुत मुझे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है भाई। आप लोग लाइफ में कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जरूर आए, हाँ लद्दाख भी जरूर जाएँ। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंडिया में ही सारी चीज़ें हैं अवेलेबल। मैं जितना ऊपर जा रहा हूँ, सिर्फ बर्फ़ पड़ रही है, गर्मी होती जा रही है। मुझे ऊपर गर्म है, देखो जितने मेरे दोस्त लोगों ने कपड़े लिए थे वो, और वो तो बूट है यार, गम बूट उम बूट वो लिए सब लोगों ने निकाल दिया। बट आप लोग लो ये सब, बट ठीक है, बट सीरियसली थोड़ा स्लिपरी है, बस बैलेंस कर लो, चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं महादेव की मंदिर की ओर मूव कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम पूरी कहानी जानेंगे अंजनी महादेव जी के बारे में। पहाड़ों में बाबा भोलेनाथ के दर्शन केवल जम्मू कश्मीर के अमरनाथ और उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में ही नहीं होते हैं, अब हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में भी बाबा भोलेनाथ प्रकट हुए हैं। जी हाँ, यहाँ अमरनाथ की भांति भोलेनाथ बाबा बर्फानी के रूप में प्रकट हुए हैं। हिमाचल में मनाली की कुछ ही दूरी पर पहाड़ियों के बीच बर्फ की इतना विशाल काय शिवलिंग बनता है, जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जिस जगह यह शिवलिंग बनता है, वो भूमि भगवान हनुमान जी की माता अंजनी की तपोस्थली मानी जाती है, और इसलिए इस विशाल का शिवलिंग को अंजनी महादेव कहा जाता है। तो दोस्तों, कहानी सुनते सुनते आप इस हसीन वादियों का नज़ारा लीजिए, ये कितना प्यारा है। जब हम वहाँ थे, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। पूरी बर्फ ही बर्फ है, इतनी मज़ा आ रहा है। हमारे मुंबई में ऐसी जगह नहीं है, बट कोई नहीं, जैसा भी अच्छा हमारा मुंबई है भाई। सीरियसली बोलूँ, यहाँ पे अगर मुझे को रहने बोल दे ज़िंदगी भर ना भाई, सीरियसली बोलूँ मैं कभी रहने नहीं वाला, नहीं हो पाएगा भाई। घूमने आओ, छुट्टी मनाने आओ, जो हम करने आए सही है, बट रहने के लिए जगह सही नहीं है, उम्र कम हो जाएगी। हमको अमर बनना है, ठीक है। ये अपना भाई है, सो हम लोग जा रहे हैं थोड़े बहुत फ़ोटो खींचने, चलो बाय बाय। यहाँ बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग स्वरूप करीब 30-40 फुट का होता है। ऐसी मान्यता है कि धरती पर भगवान का बर्फ से बनने वाला ये दूसरा शिवलिंग है। मनाली से सोलांग वैली पहुंचने के बाद करीब 2-3 किलोमीटर की अंजनी महादेव की यात्रा शुरू हो जाती है। ये पूरी यात्रा पहाड़ों पर पैदल चलकर, गाड़ी से या घोड़ों के जरिए ही आप तय कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पर दो रास्ते थे, एक पत्थर वाले हैं और एक बर्फ़ वाले हैं। तो मेरी मानिए, आप पत्थर वाले रास्ते से ही जाएं, बर्फ़ वाले रास्ते से आपको जाने नहीं मिलेगा, क्योंकि हर जगह आपको बर्फ ही बर्फ़ मिलेगी। तो यहाँ से आपको चलने में उतनी थकान महसूस नहीं होगी जितनी आपको बर्फ़ पे चलने से होगी। तो दोस्तों, ट्रैकिंग करते वक्त आपको दो चीज़ ज़रूर कैरी करना है, एक तो आपको चॉकलेट लेना है और दूसरा पानी की बॉटलें लेनी है। देख रहे हैं दोस्तों, मंदिर अब आ चुका है, हमें पहुँच रहा मंदिर के पास। जितने दिख रहे आधे आधा पागल लोग हैं, जब जूता मोजा कपड़ा ऐसा सा ले लिए, वो सबसे बड़े पागल है। ये सब कुछ मत खरीदो, कुछ ठंड नहीं है, बस थोड़ी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, तो मैं जा रहा हूँ, बस मंदिर देखो सामने ही है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। ये पूरी गाड़ियों की पार्किंग है, जो भी गाड़ी नीचे से आती है वो यहीं पर पार्क होती है। और आप दोस्तों देख सकते हैं, मंदिर से सिर्फ मैं 100-150 मीटर की दूरी पर हूँ, मंदिर वहाँ सामने है। आपको यहाँ पर सारी सुविधाएँ मिल जाएंगी, जैसे कि आपको खाना पीना जो भी है आपको सब यहाँ मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपसे मैं एक अपना एक फ़नी मोमेंट शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सामने एक पुल है, आपको ये पुल पार करके जाना है, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ से पार करते वक्त। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सामने मेरा फ्रेंड है चुनमुन सिंह, जो यहाँ के सरपंच जी से मंदिर की कहानियाँ जानने के लिए उनसे बातें कर रहा है, लेकिन वो कुछ हमें और ही कह रहे हैं। हम उनसे पूछ रहे हैं कि कहानी बताओ, तो कह रहे हैं बर्फ़ गिरने वाली, आप खुद ही सुन लीजिए। अच्छा, हाँ ये आपको पता है। अच्छा, थैंक यू, आपको मंदिर के बारे में पूछा। तो दोस्तों, आप लोग ने भी सुन लिया होगा और आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मंदिर के ठीक सामने है वेलकम स्नो पॉइंट। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको फोटो क्लिक कराने के लिए पैसा लगता है। आप देख रहे हो कि मंदिर के सामने आ चुका हूँ, भोले बाबा का दर्शन होने वाला है, मेरी सारी थकान खत्म हो गई, बहुत ऊपर चढ़ के आना पड़ा है, करीब 3-4 किलोमीटर, मगर 3-4 क्या होता है भोले बाबा के लिए, तो भाई कितने भी चढ़ लें। आप देख सकते हैं मंदिर सामने, अब मैं अंदर जा रहा हूँ, करके व्यू देख लो एक बार। आप देख रहे हैं
कारावीर बजरंगी। तो दोस्तों, जो कहानी अधूरी रह गई थी, आइए हम उसे पूरा करते हैं। शिवलिंग के साथ ही पहाड़ के नीचे ये बाबा की कुटिया है, जिसमें कुछ साल पहले बाबा प्रकाश पूरी 12 माह सर्दी व गर्मी में यहाँ रहते थे। कुछ वर्ष पहले उनकी मृत्यु के बाद बाबा के शिष्य अब इस कुटिया में रहकर बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस मंदिर का दर्शन करते हैं। यहाँ पे हमारे गणेश जी हैं, सरस्वती माँ हैं, राम लक्ष्मण सीता जी हैं, बजरंगबली हैं, माता जी हैं, और यहाँ पे प्रकाश बाबा की भी तस्वीर रखी हुई है। मंदिर का दर्शन करके आ चुका हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप एक बार जरूर यहाँ विजिट करें, पैर बहुत ठंडा हो गया है। अंदर मंदिर में दिखा नहीं सकता, अंदर मना है, वो आपके ऊपर निकालने आता है कि नहीं आपको देख लो। तो गाइस चलो। तो दोस्तों, आप मंदिर के गलियारे से देख सकते हैं इतना हसीन वादियाँ, जिसे देखकर आपकी आंखों को बहुत ही ठंडक मिलेगी और मन को सुकून मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, जो हमारी आधी कहानी अधूरी थी, अब उसे हम पूरा करते हैं। गौरतलब ये है कि अमरनाथ के शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 22 फीट होती है। लोग कई दिनों तक कठिन यात्रा कर बाबा के दर्शन करते हैं, लेकिन इस अंजनी महादेव में बनने वाले शिवलिंग का दर्शन के लिए आप मनाली के सोलंग वैली में पहुंचकर कुछ ही घंटों में कर सकते हैं। बताया जाता है कि माता अंजनी इस स्थान पर बनते शिवलिंग की पूजा व तपस्या करती थी, तथा इस गुप्त स्थान के बारे में किसी को भी पता नहीं था, लेकिन बाबा के लोगों को बताने के बाद से ही अब तक दूर दूर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में बाबा के इस विशाल रूप को देखने आते हैं। बाबा भोलेनाथ के भक्त इस शिवलिंग को अमरनाथ जितना ही शक्तिशाली मानते हैं और यहाँ अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दर्शन को आते हैं। यहाँ बाबा के बर्फ रूपी स्वरूप के दर्शन के चलते हर वर्ष दिसंबर, जनवरी, फरवरी व मार्च तक श्रद्धालु 2 से 3 किलोमीटर की यात्रा कर यहाँ पहुँचते हैं। खुले आसमान में दिसंबर माह में इस स्थान में ये शिवलिंग रूप लेना शुरू कर देता है, तथा जनवरी माह तक पूर्ण रूप से शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 35 से 40 फीट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ऊपर से सिर्फ बर्फ गिर रहा है। गर्मी और बारिश के महीने में आपको शिवलिंग का दर्शन आराम से मिल जाता है, और ठंड में 30-40 फीट लंबा बर्फ बन जाता है। तो दोस्तों, इस जगह का नाम अंजनी महादेव क्यों रखा गया है? मान्यता है कि त्रेता युग में माता अंजनी जी, जो भगवान हनुमान की माता हैं, पुत्र प्राप्ति पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, और तभी भगवान शिव जी ने यहाँ उनको दर्शन दिए थे, तभी से यहाँ बर्फ के शिवलिंग बनता है। मान्यता है कि इस शिवलिंग का दर्शन करने से हर तरह की मन्नतें पूरी होती हैं। तो दोस्तों, मैंने दर्शन कर लिया है और आप लोगों को भी मैंने दर्शन करवा दिया है। तो दोस्तों, आपको मैंने मंदिर की कहानी भी बता दी है पूरी, और मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप अपनी ज़िंदगी में एक बार यहाँ ज़रूर आएँ। सच में आपके मन को बहुत ही ठंडक मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको यहाँ आने के बाद। तो दोस्तों, इसलिए इस जगह को अंजनी महादेव कहा जाता है। तो दोस्तों, आप छुट्टी मनाने के लिए यहाँ पर ज़रूर आएँ। सोलंग वैली के साथ आपको महादेव जी का भी दर्शन मिल जाएगा। और आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरा अगला व्लॉग आने वाला है, वो भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, कमेंट किए बगैर जाना नहीं।